तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जिंसी को देखते हैं। जिंसी जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। वहाँ पर ये जो है फेंगमिन के बारे में सोच रहा होता है। आहदुओ जो है यहाँ से चली गई है तो फेंगमिन भी उसके साथ ही चली गई। वो सोच रहा होता है कि क्या फेंगमिन को पनिशमेंट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। वो इसी बात में लगा रहता है। वो सोचता है कि फेंगमिन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिजनेस करती है और उसके फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो भी इस तरह बिजनेस में बहुत ही कनेक्टेड हैं। यहाँ पर गाउसू जो होता है वो देख रहा होता है जिंसी को और साथ में वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जिंसी मास्टर क्या सोच रहे हैं। गाउसू यहाँ जिंसी से कहता है कि वो जो लड़की है उस जैसे लड़की बहुत सारी यहाँ पर हैं जो फैमिली से दूर होकर इस जगह पर आई हुई हैं। और यहाँ पर वो बताता है कि फेंगमिन के कम से कम 8 बच्चे हैं। तो यहाँ जिंसी कहता है कि उसके 2 पति हैं इसीलिए उसके 8 बच्चे हैं। और ये बात सोचते सोचते यहाँ पर जो जिंसी होता है वो सोचने लग जाता है यहाँ पर माओ माओ के बारे में। वो सोचता है कि उसे जो है किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था काम करने के लिए। एक्चुअल में ये इतना परेशान इसलिए दिख रहा है कि अब यहाँ पर सभी जो बच्चे लेकर आए गए थे उन्हें जो है यहाँ से निकाल दिया जाएगा काम से। इसीलिए वो सोच रहा है कि माओ माओ को जाना देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए। साथ में वो ये भी सोचता है कि कोई अमीर और कोई गरीब के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वो नोबल और यहाँ कॉमनर की बात कर रहा होता है। वो कहता है कि दोनों की सिचुएशन बहुत ही अलग अलग होती है। यहाँ मामाओ जो कॉमनर है वो बहुत ज़्यादा काम करती है और नोबल उनसे काम करवाते हैं। मामाओ ने कभी भी काम करते वक्त ये नहीं सोचा कि ये काम कितना ज़्यादा मुश्किल है या फिर कितना बेकार है। जैसे ही मैंने उसे कहा कि ये काम करना है वो उस काम को आराम से कर दिया करती थी। मामाओ को जब भी मैंने काम करते हुए देखा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि यहाँ पर उसे जोर जबरदस्ती से काम करवाया जा रहा है। वो हमेशा प्यार से काम करती है। तभी गाउसू कहता है कि मास्टर जिंसी, सभी परिवार की अलग अलग समस्या होती है और सभी की कंडीशन अलग अलग होती है। मामाओ के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। अगले सीन में हम देखते हैं मामाओ जब अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है तो यहाँ पर वो बताती है ले ऑफ के बारे में। अगर आपको ले ऑफ के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जब भी कोई कंपनी अब बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाल देती है इस वजह से वो निकालती है कि काम उसके पास बहुत ही कम आता है या फिर उसे जो है पैसे बहुत कम खर्च करने हैं, लिमिटेड पैसे हैं उसके पास, तो वो अपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज को बाहर निकाल देती है। इसी के बारे में उसकी दोस्त यहाँ बता रही होती है। वो कहती है कि पता नहीं बट ये बहुत ही जल्दी हो गया, इतनी जल्दी इसे नहीं होने देना चाहिए था। यहाँ पर वो सोचती है माओ माओ कि पता नहीं मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है। उस ओल्ड लेडी के पास मैं लीहू को लेकर गई थी पिछली बार, उसके बाद मैं उसके लिए कोई कस्टमर लेके नहीं गई। अब मैं दोबारा घर पर जाऊंगी तो वो मुझे हमेशा की तरह बेच ही देगी। मामाओ को क्यों बेच देगी ये आपको आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि मामा ये सब सोचकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से यहाँ पर उठकर भाग जाती है। उसकी दोस्त उसे रोकती है बट वो रुकती नहीं है। वो यहाँ महल के चारों तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि वो किसी को ढूंढ रही है पर पता नहीं वो किसी को कौन किसको ढूंढ रही है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी से पूछती है, सभी नौकरानियों से पूछती है पर सभी कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। तभी यहाँ पर वो जिंसी को देखती है और वो कहती है मास्टर जिंसी, इसका मतलब यही है कि वो जिंसी को ही ढूंढ रही थी। यहाँ पर जिंसी कहता है मैंने तुम्हें पहली बार देखा है कि तुम्हारी सांस जो है इतनी ज़्यादा फूल गई है, शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या बात है।
फिर हम देखते हैं कि मामाओ यहाँ पर कहती है कि जिंसी मुझे आपसे बात करनी है। जिंसी कहता है कि चलो फिर हम जो है अंदर जाकर बात करते हैं। यहाँ पर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और फिर से ले ऑफ की बात स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है मामाओ कि अब मेरे साथ क्या होगा। जिंसी उसे एक नोटबुक दिखा देता है जिसमें सभी बंदों के नाम लिखे होते हैं जिन्हें बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पर उसका नाम भी होता है मामाओ का। यहाँ पर वो कहती है इसका मतलब मैं भी चली जाऊंगी। तो वो कहता है कि हाँ अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम मुझे बता सकती हो। मामाओ अपने मन में सोचने लग जाती है कि गायुकू लेडी के पास मैं जो हूँ एक नौकरानी थी और साथ में मैं जहर को चेक किया करती थी। यही सिंपल सा काम मैं किया करती थी। इसके अलावा मैं जो हूँ स्टोर में जाकर मेडिसिन को बनाया करती थी। जब भी कोई भी एम्प्लॉय जो होता है अगर कंपनी में काम करता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में उसे कंपनी जरूर निकाल देगी। इसीलिए अगर आप कंपनी के अंदर काम करते हैं तो अपने स्किल को अपडेट करते रहें। मामाओ को भी यही लगता है कि मैं तो बहुत ही थोड़ा बहुत काम करती हूँ, अब मैं किस मुंह से कहूँ यहाँ पर जिंसी को मुझे रोकने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत ही एक आम सर्वेंट हूँ सभी लड़कियों की तरह। मैं भी ना तो मुझे जो है कुकिंग और ना तो कुछ और करना आता है। वो कहती है कि जिंसी आप मुझे कुछ भी ऑर्डर दे दें मैं आपके लिए खाना भी बना सकती हूँ और कुछ भी काम जो हो वो कर सकती हूँ, जो भी आप कहें। बट यहाँ पर जो हमारी मामा है वो सोचने लग जाती है कि क्या ये मुझे रखेंगे, क्या ये मेरे लिए सही होगा कि मैं यहाँ पर रहूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है और वैसे भी जितना मैंने काम किया है उतना तो इन लोगों ने मुझे दे दिया है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर किडनैप होकर आई थी, अब ये क्या मुझे फायर कर देंगे। ये सोचती है कि मन के अंदर कि वो रिक्वेस्ट करे जिंसी के कि उसे फायर ना किया जाए, बट यहाँ पर वो बोलती नहीं। फायर मतलब कि उसे ना निकाला जाए। यहाँ पर जो जिंसी होता है वो उसको ऐसा देख कर कहता है कि मैं समझ गया। वो क्या समझता है, वो यही समझता है कि ये कहना चाहती है कि जो मेरे पैसे हैं वो मुझे दे दिए जाए। तो वो कहता है कि जितना भी तुम्हारा पैसा बनता है उससे हम तुम्हें कुछ ज़्यादा ही दे देंगे। यहाँ पर मामाओ घबरा जाती है, वो कहती है कि लगता है मैं फेल हो गई। अगले सीन में देखते हैं वो सभी सामान यहाँ पर बांध लेती है और जाने के लिए यहाँ पर वो तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि जिंसी यहाँ पर कोने में बैठकर शोक मना रहा होता है। उसे देखकर यहाँ गाओसू सोच रहा होता है इन्होंने ही तो ऑर्डर दिया था उसे जाने के लिए, वैसे उसे गए हुए अभी एक हफ्ते हो चुके हैं। और यहाँ पर वो लड़की बहुत ही अच्छी थी, मुझे भी यही लगता था, बट मेरे मास्टर जो हैं वो अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि मास्टर से किसी ने उनका खिलौना छीन लिया हो और उस खिलौने की वजह से अब वो जो है यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं, उन्हें वही खिलौना चाहिए। बट मुझे लगता है कि मामाओ जो थी वो खिलौने से बढ़ कर थी इनके लिए। बट मास्टर भी कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जो करना था उन्होंने वो कर दिया क्योंकि ऊपर से ही ऑर्डर आया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मामाओ को यहाँ पर तैयार किया जा रहा होता है। यहाँ पर उसे लड़कियाँ जो हैं लिपस्टिक लगा रही होती हैं और वो जो है मन ही मन सोच रही होती है कि आज मुझे एक बड़े महल में जाना है, वहाँ पर पार्टी है तो हम सभी को वहाँ पर बुलाया गया है। जहाँ पर पार्टी है उसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होंगे, इसीलिए इतनी सारी लड़कियों को उन्होंने वहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए बुलाया है। वो सोचने लग जाती है। यहाँ पर लड़कियाँ कहती हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ओल्ड लेडी भी आती है और यहाँ पर उसे लिपस्टिक लगा दी जाती है। लिपस्टिक लगाने के बाद वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ सोचती है वो कि मुझे जल्द ही जल्द अब ये लोग मुझे बेच देंगे। यहाँ पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि चलो अब हम चलते हैं क्योंकि तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्यूट लग रही हो। तभी वो ओल्ड लेडी आती है, चलो जल्दी से टाइम हो चुका है। वो मामाओं को देखती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो, इतना भी बुरा नहीं है।
अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो एक गाड़ी में बैठी होती है और जा रही होती है। यहाँ पर वो सोचती है कि वो ओल्ड लेडी है, वो मुझे जरूर वैश्या बना के मानेगी, यानी प्रोस्टिट्यूट बना के मानेगी। यहाँ पर वो सोचती है कि मुझे डांस तो करना आता नहीं है, क्योंकि मेरे फादर जो है वो दवाइयों का काम करते हैं, तो सिर्फ मुझे दवाइयाँ ही बनानी आती हैं, और पिछले कई सालों में मैंने सिर्फ दवाइयाँ ही बनाना सीखा है। देखते ही देखते वो यहाँ पर महल के अंदर आ जाते हैं। सभी लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता है। हम देखते हैं कि मामा सोच रही होती है कि यहाँ के फर्नीचर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर रहने वाले बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गार्ड होता है उन्हें इस रूम में जाने को कहता है। वो सभी जो लड़कियां होती हैं वो उस रूम में आ जाती हैं और मामा भी साथ में यहां पर आ जाती हैं। सभी लड़के यहां पर बैठे होते हैं। एक्चुअल में ये जो है एक सैनिक हैं जो यहां पर इंजॉयमेंट के लिए आए हुए हैं। वो सोचती है कि ये तो सारे मुझसे बहुत ही बड़े हैं। फिर हम देखते हैं कि यहां पर जो उसकी सिस्टर होती है ये उसे बड़ी बहन कह के बुलाती है मामाओं। वो सभी जो है यहां पर ड्रिंक करने के लिए जग उठा लेती हैं ताकि सबको ड्रिंक देंगी, यानी कि एक तरह का वेटर का काम हो गया। फिर हम देखते हैं कि मामा सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर सभी से कनेक्शन बना लूँ तो मैं जो हूँ अपने लोन का अमाउंट जल्द ही भर दूंगी। उसने यहाँ पर कर्जा लिया है उस बूढ़ी औरत से, इसीलिए वो उसके अंडर काम करती है। जो यहाँ पर बड़ी लड़कियाँ होती हैं और खूबसूरत होती हैं वो डांस करना स्टार्ट कर देती हैं और यहाँ मामा जो होती है वो सर्व करना स्टार्ट कर देती है। वो सोचती है कि बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे, बट काम तो काम ही होता है। एक बंदे को देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बोर होता है। वो उसके पास जाती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी। फिर वो यहाँ पर कहता है कि यहाँ मुझे अकेला छोड़ दो। तो उसकी आवाज़ सुनकर उसको लगता है कि इस आवाज़ को मैंने पहले कभी सुना हुआ है। वो उसके बालों को साइड में करती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये तो मास्टर जिंसी है। तो वो यहाँ पर कहती है मास्टर जिंसी। देखते हैं कि मामा उसके पास ही खड़ी है, तो वो कहते हैं कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। वो कहती है कि तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जिंसी टच करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुमने मेकअप लगा के तुम बिल्कुल ही अलग लगती हो, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने कहा होगा। वो कहती है कि हाँ मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तो है। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुमने इस तरह का ड्रेस क्यों पहना है। मामा कहती है क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर वो कहता है क्या तुम वैश्या का काम कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं वैश्या का ही काम कर रही हूँ। यहाँ पर जो जिंसी है वो चौंक जाता है, कहता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, ये सब तुम्हें ये करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर मन में सोचती है कि अगर इतना ही तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम मुझे यहाँ से निकाल लेते। यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो हो कस्टमर बन के आई हो क्या। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं तुम मेरे कस्टमर हो। यहाँ पर जिंसी कहता है कि चलो मैं सारे पैसे दे देता हूँ और तुम्हें यहाँ से निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि क्या तुम किसी तरह का जोक कर रहे हो। फिर वो सोचती है कि ये आइडिया भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम दोबारा से काम करना चाहती हो क्या उस जगह पर। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं करना तो चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी। तो वो कहता है कब कहा था तुमने। तो वो बोलती है कि तुम्हारे रूम के अंदर जब मैं आई थी तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही थी। तो वो कहता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मुझे पता नहीं चला। वैसे भी मैं तो हूँ यहाँ पर एक टेस्टर हूँ, ऐसा कहती है मामाओ, यानी सिर्फ मैं खाना चेक किया करती थी तो मुझे लगा कि मैं किस लिए रहूँ यहाँ पर, यानी कि मैं कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं रहने देती हूँ। तो यहाँ पर वो हंसने लग जाता है जिंसी। तो वो सोचती है कि ये फिर बच्चों की तरह बिहेव करने लग गया है। जिंसी कहता है कि तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तो जो तुम बात बोलती हो वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हो किसी के सामने। तो वो कहती है मामाओ कि हाँ बहुतों ने बोला है, मैं अपने बातों को सही से बता नहीं पाती हूँ। यहाँ पर फिर वो अपने हाथों को उसको गालों की तरफ ले जा रहा होता है, तो वो उसे रोक देती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। फिर वो यहाँ पर कहता है बस मैं हल्का सा ही तो टच करना चाहता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मामा कहती है रूल होता है, तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। वो कहता है कि थोड़ा बहुत ही टच करने दो, तुम बैंड क्यों हो रही हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं
तुम्हें टच करने नहीं दूंगी। जिंजी कहता है कि क्यों, तुम्हें मैं टच कर लूंगा तो क्या तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी? तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, मेरी आत्मा जो होगी वो मर जाएगी, इसलिए तुम मुझे टच मत करो। ये सब देखकर यहाँ पर जो उसके साथ आई हुई लड़कियाँ होती हैं वो हंस रही होती हैं। वो कहती है कि यहाँ पर जो जिंसी होता है वो कहता है कि सिर्फ मैं टिप्स टच करूँगा फिंगर की। फिर वो कहती है ठीक है तो तुम मुझे टच कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो फिंगर टच करने वाला होता है उसके लिपस्टिक पर वो टच हो जाता है, तो वो जो है अपने लिप्स पे उसको लगा लेता है और जिससे कि उसकी लिपस्टिक उसके लिप्स पे आ जाती है, यानी कि उसने यहाँ पर इनडायरेक्ट किस कर लिया है। और यहाँ पर वो शर्माकर पीछे हो जाती है और कहती है ये कितना अजीब लड़का है, मैं जो हूँ यहाँ पर ये सब नहीं देख सकती हूँ। यहाँ पर उसके साथ आई हुई ये लड़कियाँ कहती हैं, तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सभी चुप हो जाओ। तभी वो देखती है कि मास्टर गाओसू भी यहीं पर खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर मामा को घबराहट होने लग जाती है कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। वो सोचती है कि अब मुझे ज्यादा याद नहीं है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, बट मुझे पता है उसके बाद यहाँ पर उस सभी जो मेरी बहनें थी बड़ी बड़ी, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम मैं उसे कैसे जानती हूँ। उनके सभी सवालों का जवाब देने में मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई। और वो ये बातें जो है यहाँ पर दवाई बनाते हुए सोच रही होती है, और साथ में वो यहाँ पर उस दवाई को देखती है जो कि वो अपने गालों पे लगाया करती थी ब्लैक दिखने के लिए, यानी कि उस पे दाग दिखा करता था उसके चेहरे पे। वो सोचती है कि मुझे जो है दोबारा से वही लगाना पड़ेगा। वो कहती है कि पिछले साल ही मुझे किडनैप करके यहाँ से ले जाया गया था। वो उसके बारे में सोच रही होती है। वो कहती है कि मुझे किडनैप करके वो लोग जो है वहाँ पर उन्होंने मुझे बेच दिया, और बेचने के बाद फिर मैं वहाँ पर ही काम करती रह गई। इस बात को पूरे एक साल हो चुके हैं, मैंने वहाँ पर अपने दोस्त भी बनाए थे। फिर यहाँ पर मुझे जो है प्रमोट कर दिया गया और मैं फिर जो हूँ रानी की नौकरानी बन के रह गई। फिर मैं उनके साथ काम करती थी, उसमें भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद मेरा टर्म कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। तभी यहाँ पर ओल्ड लेडी आती है और कहती है मामा रेडी हो गया क्या? तो मामा उसे दवाई दे देती है और साथ में वो कहती है कि चलो किसी को देखना है मुझे तो चलो तुम मेरे साथ। तो वो यहाँ पर एक दिखाने ले आती है एक लड़की को जिसकी तबीयत खराब होती है। उसके बाद मामा यहाँ पर उसे देखकर नहाने के लिए आ जाती है। वो महल के बारे में ही सोच रही होती है कि वहाँ पर सभी लोग अच्छे होंगे। तभी यहाँ पर ओल्ड वुमन भी आ जाती है नहाने के लिए। मामा उसे कहती है कि जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारा सभी कर्जा चुका दूंगी जो तुमने मुझे दिए थे। यहाँ ओल्ड लेडी कहती है कि क्या तुम दोबारा से उस महल में जाना चाहती हो? तो वो कहती है कि अभी तो मुझे नहीं पता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट वो प्लेस और ये जगह दोनों ही सेम लग रही हैं मुझे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ रात हो जाती है और मामा घर पे सोने के लिए आ जाती है, बट उसे यहाँ पर नींद नहीं आती। वो यहाँ पर खड़ी हो जाती है, उसके डैड कहते हैं क्या तुम सो नहीं पा रही हो? मामा कहती है कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, बाहर जाकर थोड़ी साफ हवा लेकर आती हूँ। यहाँ पर वो जाते हुए यहाँ ड्रिंक ले जाती है बाहर। फिर हम देखते हैं वो यहीं पर बैठ जाती है और वो यहाँ पर सोचने लग जाती है दोबारा से उसी जगह के बारे में, आसमान को देखते हुए। वो सोचती है कि उस जगह में और इस जगह में मुझे कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पर वो कहती है कि वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े गार्डन थे और एक पिंजरा था, और जहाँ पर मैं रानी के साथ रहा करती थी और उनकी सेवा किया करती थी, और इसके अलावा मैंने बहुत ही अलग अलग काम किए थे। और जब मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को एक बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं, फिर भी मैं पिंजरे में ही रहती हूँ, यानी काम करने वाला तो पिंजरे में ही रहता है ना, और पिंजरे में नहीं होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसकी वजह से उसे लगता है कि वो पिंजरे में है। यहाँ पर वो सोचती है कि अब पता नहीं क्या होगा। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जिंसी यहाँ पर उस ओल्ड लेडी के पास आता है और बहुत सारे पैसे उसे देता है, और यहाँ पर माओ के लिए जो है वो भी कुछ ले कर आया है। एक जड़ी बूटी ले कर आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ चमक रही थी, जिसे देखकर माओ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। ओल्ड लेडी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिंसी यहाँ पर इन सब चीज़ों के बदले यहाँ माओ को मांगता है उस ओल्ड लेडी से, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर तुम देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगला एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि इसका अगला एपिसोड भी आएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।